हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप विंडोज 10 के अंदर है विंडोज 11 में नेट स्टेट कमांड को आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यूज़ करने के इसके बहुत सारे तरीके हैं। सिंपली आपको कमांड प्रॉम्प्ट को रन कर देना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके। तो देखिए, आपके सामने जो है कंसोल ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर जो है हम इसको एकदम स्टार्टिंग से समझेंगे। आपको सबसे पहले नेट स्टेट कमांड को एग्जीक्यूट करना है। आप जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे नेट स्टेट कमांड को यूज़ किया तो इसने मेरे को कुछ डेटा जो है शो कर दिया। जैसे कि एक्टिव कनेक्शंस में इसने मेरे को बताया कि प्रोटोकॉल टाइप यहाँ पे TCP है, लोकल एड्रेस मेरा ये है, फॉरन एड्रेस ये है और इस कनेक्शन का स्टेट ये है। कोई कनेक्शन मेरा इस्टेब्लिश दिखा रहा है, कोई क्लोज भी दिखा रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इसको रन करते हैं तो TCP प्रोटोकॉल ही शो करता है। अगर मैं यहाँ पे नेट स्टेट -A कर देता हूँ तो ये सभी कनेक्शंस को शो कर देगा और लिसनिंग पोर्ट्स को यहाँ पे शो कर देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्रोटोकॉल टाइप यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे TCP भी दिखा रहा है और UDP भी दिखा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे कनेक्शन का स्टेट वगैरह भी देख सकते हैं। और साथ में यहाँ पे अगर आप लोकल एड्रेस देखें तो सभी डेटा जो है यहाँ पे शो हो रहा है। ये रहा लोकल एड्रेस हमारा, ये रहा फॉरन एड्रेस और ये रहा हमारा कनेक्शन का स्टेट। जैसे कि यहाँ पे इस्टेब्लिश है, यहाँ पे क्लोज है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स जो है मेरे को यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे इस कमांड के थ्रू सभी कनेक्शंस को और लिसनिंग प्रोसेस को डिस्प्ले करा सकते हैं -A से। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेट स्टेट -B और यहाँ पे अगर मैं कोई स्ट्रिंग में कोई एक पर्टिकुलर चीज़ फाइंड करना चाहता हूँ, जैसे कि उस कमांड के अंदर मेरे को फाइंड करना है find str यानी फाइंड स्ट्रिंग, मैं यहाँ पे लिखता हूँ establish, तो ये क्या करेगा, उस कमांड के आउटपुट में जो जो establish स्टेट है उसको जो है यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने -B किया है तो -B क्या करता है, एग्जीक्यूटेबल जो भी इन्वॉल्व हमारी क्रिएटिंग एक्टिविटी होती है हर कनेक्शंस में, होस्ट में, लिसनिंग पोर्ट्स में, वो सारी जो है यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है। तो देखिए, यहाँ पे establish कनेक्शन स्टेट को ही इसने डिस्प्ले किया है। ठीक है, यहाँ पे जो भी क्लोज कनेक्शन होंगे या लिसनिंग कनेक्शन होंगे उसको ये शो नहीं करेगा। देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक इसने सिर्फ इस्टेब्लिश स्टेट को ही शो किया है। ये ट्रिक जो है आप किसी भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसको क्लियर कर लेते हैं और दूसरी कमांड को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लिखते हैं नेट स्टेट -N, तो -N क्या करता है, आपको पोर्ट नंबर डिस्प्ले करता है न्यूमेरिक फॉर्म में। ठीक है, सभी एड्रेसेस को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप -N लिख देते हैं दूसरे कमांडों के साथ कंबाइन करके तो फास्टली भी कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर मैं यहाँ पे -R करता हूँ तो देखिए, इसने रूटिंग टेबल जो है डिस्प्ले कर दी है। अगर आपको रूटिंग टेबल देखनी है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये रही हमारी इंटरफेस लिस्ट और ये रहे हमारे नेटवर्क कार्ड्स, कौन कौन से इंस्टॉल है, एक्टिव राउटर्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। ठीक है, और ये IPv4 की रूट टेबल आपको शो हो रही है, जैसे नेट मास्क, गेटवे, इंटरफेस और मैट्रिक डेटा जो है आपको इस जगह शो हो रहा है। तो ये कमांड भी अगर आपको रूटिंग टेबल देखनी हो तो बहुत ज़्यादा काम की है, इस कमांड को आप देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की ओर। अगर आप लिखते हैं नेट स्टेट स्पेस, यहाँ पे लिखते हैं आप -O, तो फ्रेंड्स ये क्या कमांड करती है, ये आपको प्रोसेस आईडी शो करती है। आप यहाँ पे देखिए, PID पहले नहीं आ रहा था लेकिन अब आपको शो हो रहा है, हर एक प्रोसेस आईडी यहाँ पे शो हो रही है। यानी अगर आपको किसी एप्लीकेशन को किल करनी है, वो किसी सर्वर से कनेक्ट है, आपको चेक करना है, तो आप प्रोसेस आईडी के थ्रू उसको किल भी कर सकते हैं। तो ये भी जानेंगे आगे, देखते हैं कि कैसे कैसे हम इन प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं, तो वो भी देखते हैं आगे कैसे करना है आपको। तो इस कमांड के थ्रू आप ऐसा कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कमांड की ओर। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं -B O, तो -B हमने किस लिए यूज़ किया था और O हमने यहाँ पे प्रोसेस आईडी के लिए यूज़ कर लिया। तो -B हमने डिस्प्ले करने के लिए किया था सभी कनेक्शन होस्ट्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि explore.exe मेरा लोकल एड्रेस इससे कनेक्ट है। और अगर मैं यहाँ पे सर्च ऐप देखूँ और दूसरी कमांड्स को, आप दूसरी एप्लीकेशन देख सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज मेरा ओपन है, वो SIP से कनेक्ट है, उसका फॉरन एड्रेस ये है, कनेक्शन स्टेट भी इस्टेब्लिश दिखा रहा है। तो इस तरीके से मैं देख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखिए आपके सामने इसे ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन कर लिया है विंडोज़ 10 का। अब मैं इसी कमांड को दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये मेरे को सभी कनेक्शंस दिखा देगा, कौन सा कनेक्शन मेरा कहाँ कनेक्ट है। ठीक है, तो इसने देखिए कौन कौन सी एप्लीकेशंस मेरे किस किस सर्वर से कनेक्ट है। तो देखिए, अब इसने जो है फाइंड कर दिया winstore.app.exe। ठीक है, आप देख सकते हैं पहले इसने आउटपुट में ये एप्लीकेशन के बारे में नहीं बताया था, लेकिन अब इसने जो है बता दिया है। और यहाँ पे अगर हम इसका कनेक्शन स्टेट देखूँ तो इस्टेब्लिश दिखा रहा है और पोर्ट नंबर इसका ये दिखा रहा है।
सॉरी प्रोसेस आईडी मेरे को ये दिखा रहा है। अगर मेरे को अब इस एप्लीकेशन को किल करना है तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशंस कौन से सर्वर से कनेक्ट है और उसकी प्रोसेस आईडी क्या है। तो आपको आपके केस में अगर किसी एप्लीकेशन को आपको किल करना है, मैंने तो ये एग्जाम्पल के लिए बताया, मान लीजिए कोई हार्मफुल वायरस वाली एप्लीकेशन है जो आपका डेटा कहीं और भेज रही है, तो सिंपली आपको टास्क किल /PID प्रोसेस आईडी में आपको प्रोसेस आईडी डाल देना है और /F कर देना है, तो फोर्सफुली जो है इस एप्लीकेशन को डाउन कर देगा। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे F कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन जो है टर्मिनेट हो गई है, यहाँ पे आपको आउटपुट देखने को मिल रहा है। ऐसे आप अपने केस में किसी भी एप्लीकेशन को कर सकते हैं, ये तो मैंने बस आपको एग्जांपल के लिए बताया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सिस्टम की बहुत सारी एप्लीकेशन किस किस सर्वर से कनेक्ट हैं, उनका आई पी एड्रेस क्या है, सारी डिटेल्स जो है आप चेक कर सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर मैं -E करता हूँ तो देखिए इसने जो है मेरे को इंटरफेस का स्टैटिस्टिक्स जो है ओपन कर दिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास कितना पैकेट रिसीव हुआ है, कितना आपने सेंड किया है, कौन कौन से एरर्स आपको आए हैं, तो सारा डाटा जो है आपको यहाँ पे शो हो जाएगा जब से आपका डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट है। अगर मैं इसमें -S कर देता हूँ तो फ्रेंड्स -S सभी प्रोटोकॉल्स के स्टेट्स जो है मेरे को शो कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी के डिटेल्स जो है मेरे को यहाँ पे शो हो रहे हैं, जिसे जो है आप माइनरी चेक कर सकते हैं, आपको एक एक डिटेल्स जो है यहाँ पे शो हो जाएगी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अगर आप नेटवर्क ट्रबल शूटिंग वगैरह करते हैं तो इस कमांड को जो है इसी काम के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो बहुत अच्छी कमांड्स हैं, इनका यूज़ जो है आप सभी काफ़ी अच्छे से जो है सीख लीजिए और अपने हाथों में, मैं तो ये बोलूँगा, इस कमांड को बिठा लीजिए, आपके खून में मिल जानी चाहिए कि आप इस कमांड को जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस कमांड में हेल्प की ज़रूरत है तो netstate/?? लगा दीजिए, आप इस कमांड को जैसे जैसे यूज़ कर सकते हैं उसकी सभी डिटेल्स जो है यहाँ पर शो हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी डिटेल्स आपको शो हो जाएगी, -A -B, हमने कौन कौन से पैरामीटर, कौन कौन से प्रीफिक्स कैसे यूज़ किए, सभी डिटेल्स जो है आपको हेल्प कमांड के अंदर शो हो जाएगी। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है, आप इसकी हेल्प को देख के बहुत सारी चीज़ खुद से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पे मैं -M और -O इनको इस्तेमाल करता हूँ, -N और -O को, तो आप देखिए दोनों का आउटपुट मैं एक साथ एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो ऐसे ही आप अपने हिसाब से चाहे वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए O लगाया था मैंने, तो प्रोसेस आई डी दे दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप कंबाइन करके जो है कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा मेथड है। तो अगर इसके अंदर आप दूसरी तरीके से यूज़ करना चाहते हैं कि जैसे मैं आपको बताऊं, आपको एक चीज़ दिखा देता हूं, यहां पे मैंने एक एप्लीकेशन रन कर दी है, इसको तो खैर छोड़ो, इस एग्जांपल को नहीं बताता हूँ मैं। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर मैं बताता हूँ, मान लीजिए कोई ऐसी कोई सस्पिशियस एप्लीकेशन आपके सिस्टम पर चल रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए मान के चल रहा हूँ, आप अपने कंप्यूटर में देख लीजिएगा कौन कौन सी एप्लीकेशन है, क्योंकि जो लोग क्रैक वाली एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं उनके केस में ज़्यादा ऐसा होता है। तो देखिए svhost.exe एक फाइल है, ये इस आईपी से कनेक्ट है। तो इस आईपी को अगर मैं वॉइस लुकअप में जाके इस आईपी को यहाँ पे पेस्ट कर दूँ और इसको सर्च करूँ, तो इससे मैं पता लगा सकता हूँ कि वो एप्लीकेशन किस सर्वर से कनेक्ट होकर आपके सिस्टम से डेटा भेज रही है, सेंड और रिसीव कर रही है, ठीक है। तो आप जो है एक एक एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं, अगर आपको किसी एप्लीकेशन पे डाउट है तो इस तरीके से जो है आप चेक कर सकते हैं। जो लोग क्रैक एक्लिवेशन यूज़ करते हैं उनके केस में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए आपको सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, ये तो एक ऑफिशियल है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपके केस में आप दूसरी चीज़ें भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी कमांड है, इससे जो है पूरे नेटवर्क को यानी मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये कमांड जो है काफ़ी हेल्प करने वाली है आप सभी की। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप सभी को वीडियो जो है जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, मेरा यूज़र नेम है @officialMrBot। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।